अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट करीम मलिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने बचपन से सुना था कि कराची नहीं सोता, लेकिन यहाँ एक अजीब ही माहौल है। मैं हैदराबाद की इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, लतीफ़ाबाद में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिरयानी बिक रही है और बड़ा ही लोगों का रश लगा है। रात के तकरीबन 3:30 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है दिन है। हमने तो बिरयानी दिन में बिकते देखी थी, यहाँ पे बिरयानी रात में बिक रही है और बहुत लोगों का आना जाना लगा है। फैमिलीज आ रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि बिरयानी रात 3:30 बजे बिक रही है। तो देखते हैं कि कैसे इनके मामलात चल रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं, इनका फूड भी ट्राई करते हैं आगे चल के। आइए पूछते हैं। सर, बड़ी माशाल्लाह रौनक लगाई हुई आपने, रात 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिन का समय है यहाँ पे। तो क्या वजूहत है, पूरी दुनिया सुबह में बेच रही है, आप रात में बेच रहे हैं? बस ये मकसद जायके की बात है और ये इसके अंदर जो एक नंबर मटेरियल डालने की उसकी बात है कि मकसद आवाम, मतलब हैदराबाद के अंदर 3 जगह बिरयानी बिक रही है लेट नाइट, लेकिन ये कि जब से हमने 4-6 महीनों का ही लगाया तो आवाम जो मांगती है जायका मांगती है, अब वो जो जायके की ऐसे आवाम दूर दूर से आ गई है। नहीं तो रात में ही क्यों लगा रहे, दिन में भी तो लगा सकते हैं ना। मसल एक कॉन्सेप्ट था, हमने चलाया, वो कामयाब हो गया लेट नाइट के अंदर। तो आइडिया कैसे आया कि बस अब मैंने सब इधर ये काम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कर रहा है, ये आइडिया? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कढ़ाई होती है, उसके अंदर होटल की रोटी होती है, वो एक भारी चीज़ होती है। राइस जो होती है एक हल्की डिश होती है, तो रात में बंदा खा भी लेता तो वो हाथ में दाग होती है। जिब्रान भाई, मुझे बताएं रेट्स क्या हैं, क्या रुपए पाव दे रहे हैं, कितना है इसके रेट? ये पर के जी है 280, 280 रुपये किलो है और 70 रुपये पाव है। और हमारी जो एक ऑफर होती है, ऑफर क्या मतलब न्यू यूनिक डिश है, फिश बिरयानी है जो मंगल बुध को लगती है। वो अपना अलग अलग कल आपके पास अवेलेबल होगी और परसों भी होगी, वो है 4 kg, मतलब 400 रुपये किलो और 100 रुपये पाव। तो जिब्रान में जब पहली बार आपने लगाया था, पहले दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि क्या रिस्पांस आया पब्लिक की तरफ से? पब्लिक के पास अच्छा रिस्पांस आया। शुरू में मिसाल के तौर पे 50% माल कट गया था, माशाल्लाह से 150-200% कट गया माल। तो ये आप किस टाइम आते हैं और किस टाइम मतलब ख़त्म हो जाता है ये? हम 12:15 समझ लें, 12:30 बजे हम ऑन करते हैं और 3:30 बजे हमारा ऑफ हो जाता है। जी, मैंने ये बिरयानी खा के ट्राई की है, नो डाउट बहुत अच्छी है और ये बात आज साबित हो गई कि अच्छी बिरयानी सिर्फ कराची में नहीं मिलती, हैदराबाद में भी आपको अच्छी बिरयानी मिलेगी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आप बिरयानी खाना चाह रहे हैं तो ज़रूर आए, बहुत अच्छी है, जूसी बिरयानी है। और अगर कराची से कोई आना चाह रहा है तो मैं भाई एक ही बात कहूँगा कि गर्म कपड़े लेके आएँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये गर्म बिरयानी आपको ठंड में मज़ा करेगी, लेकिन अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएँ, बहुत ज़्यादा ठंड है।